नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल 21 फरवरी 2024 से बलवान हो रहे हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 21 फरवरी 2024 को मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर राशि में बाल अवस्था को छोड़कर कुमार अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मार्च 2024 तक मंगल प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल की जो चाल है ये आपके जीवन में किन किन मामलों में गहरा बदलाव लेकर आने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो सेनापति है। मंगल को साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का और विज्ञान का कारक माना जाता है। मंगल देव यदि जन्म कुंडली पर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, जीवन के हर क्षेत्रों में दृढ़ता और मनोबल देने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को लेकर समर्पित होकर काम करने में सफल रहता है। बली मंगल का प्रभाव खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता दिलवाता है। वहीं ऐसा व्यक्ति अपनी हर जिम्मेदारी को भी बखूबी निर्वहन करता है। वहीं मंगल अगर जन्म कुंडली पर विपरीत अवस्था में विराजित हो, आत्म ऊर्जा की कमी, जीवनी शक्ति की कमी, गुस्सा और आक्रामकता बढ़ जाना, अल्सर, ट्यूमर, रक्तचाप, फोड़े फुंसी की समस्या शरीर में होने लगती है। मंगल के कमजोर होने पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब रहने लगता है और जीवन में प्रगति, नाम सम्मान, मेहनत के बावजूद भी कम देखने के लिए मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का बली प्रभाव आपको क्या देने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल आपके रोग भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। 21 फरवरी को ये कुमार अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि में डिग्री वाइज बलवान हो रहे हैं, तो आपके कुंडली के अष्टम भाव में मंगल की प्रभावी अवस्था बन रही है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को मंगल कई मामलों में शुभता प्रदान करने वाले हैं। देखिए, मंगल की जो दृष्टियां हैं आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, आपके धन भाव पर जाएगी और आपके राशि के भाग्य भाव, लाभ भाव पर जाने वाली है। चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति करवा सकता है। इस अवधि के दौरान कर्म क्षेत्र के मामले में आपको एकाग्रता पूर्वक भी चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम भाव पर शनि के साथ प्रभाव में मंगल रहेंगे, तो यहां पर आपको विशेष सावधानी कर्म क्षेत्र में बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस समयावधि में मकर राशि में मौजूद मंगल पारिवारिक जीवन को लेकर खुशखबरी और सफलता आपके जीवन में देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता और परिवार में उत्साह की भावना का विकास आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि आप कहीं पर धन का निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, आपको सोच विचार कर ही कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन में कुटुंबी जनों में छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग
दिलवा सकता है और इस समयावधि में मान सम्मान के लिए भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगल आपके रोग भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको सेहत का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, वहीं दिनचर्या भी आपको व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही शुभ रहेगा और आपके जीवन में श्रेष्ठता भी देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में आपको जीवन में हर प्रकार की शुभता अर्जित करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आप हमें जरूर बताएं, प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।